बच्चों आज हम क्लास फोर के भाषा माधुरी पुस्तक से उसके पहले पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है सरस्वती वंदना। वीणा वादिनी मातु सरस्वती नित्य आपका लेता नाम, यानी माता सरस्वती हाथ में वीणा पकड़ी हुई है, प्रतिदिन हम उनका नाम लेते हैं, उन्हें याद करते हैं। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी बार बार है तुम्हें प्रणाम। वो जो है हंस उनका वाहन है, हंस पे वो उनका वाहन है, उस पे वो सवारी करती हैं। ज्ञान दायिनी है, सभी लोगों में ज्ञान बांटती हैं, इसलिए बार बार हम उनको प्रणाम करते हैं। हम उनके छात्र हैं जैसे हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। दोष रहित मन बने हमारा, पढ़ लिख हम बड़े बने विद्वान। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान सिर्फ पुस्तक का ज्ञान हो वो नहीं होता है, ज्ञान ऐसा हो जो हमारे मन को साफ करे, हमारे मन से ईर्ष्या द्वेष जलन सब हटाए और हमारे मन में कोई भी दोष नहीं रहे, अवगुण हमारे मन से चला जाए। जब हमारे मन से दोष रहित हमारा मन रहेगा, बिना दोष के रहेगा, तब हम विद्वान बनेंगे, समझदार बनेंगे। पढ़ लिख कर बड़े होकर हम समझदार बनेंगे। सबका सेवा भाव हमें दे सदा रहे ईश्वर में ध्यान, यानी हम लोग के मन से जब अवगुण चला जाए तो हमारे मन में सेवा भाव की भावना उत्पन्न कीजिए माता, जिससे कि है हम दूसरे मानव की, दूसरे पशु पक्षियों जिसकी भी सेवा कर सके। हाँ, एक मानव दूसरे मानव की सेवा कर सके और हम लोग का हमेशा ईश्वर में ध्यान रहे, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम लोग याद करें और ईश्वर में भी ध्यान रखे और अपना काम करते चले। हो ना कभी अभिमान अल्प भी सबको समझे सदा समान, मतलब हम लोग थोड़ा भी ज्ञान अगर प्राप्त कर ले तो उसके बाद हमें घमंड नहीं आना चाहिए। थोड़ा अल्प माने थोड़ा, तो थोड़ा भी हमें घमंड नहीं आना चाहिए और हम सब लोग को एक समान समझे। कोई बहुत पैसे वाला है तो उसको बहुत बड़ा, कोई कम पैसे वाला है छोटा, कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसको छोटा, ऐसा नहीं। सबको, सारे मानव को एक बराबर समझना चाहिए। माता पिता और गुरुओं का करते रहे सदा सम्मान, हमारे अंदर गुण भरने चाहिए ताकि हमारे से जो बड़े हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, उनका हम आदर कर सके, सम्मान कर सके, इस तरह के अच्छे भाव हमारे भीतर आने चाहिए। देश प्रेम और मानव सेवा दुख दुखियों का हरना हो, यानी हम लोग के मन में माता पिता और गुरुओं के प्रति तो सम्मान होना चाहिए, साथ ही देश के प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना जगनी चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं उसको अपना माने, प्रेम की भावना जगे और मानव सेवा, दूसरे मानव की सेवा करे, जब उस मानव को जरूरत है हम उनकी मदद करें, सेवा करें। दुख दुखियों का हरना हो, जो दुखी लोग हैं उनमें किसी भी प्रकार का दुख है तो उनके दुख को कम करने का हमको कोशिश करना है, इस तरह की भावना हमारे मन के भीतर आनी चाहिए। कभी नहीं पग डिगे हमारा भले सत्य पर मरना हो, ये बहुत ही अच्छा बात लिखा है कि हाँ जैसे गांधी जी हमेशा सत्य पर चलते रहे तो हम लोग को सत्य की राह पे ही चलना है, सही राह पे चलना है। कभी नहीं पग डिगे हमारा, हमारे जो पैर है हमारे कदम कभी हिले नहीं, मतलब हमारे मन में कभी भी ये नहीं आए, डर नहीं आए कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं या बहुत मुश्किल रास्ते पे चल रहे हैं। रास्ता मुश्किल होगा सत्य का रास्ता, पर हमारा कदम हिलना नहीं चाहिए, हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। हम सब होवे निडर निरोगी सच चरित्र हो सब सुखदाम, हम सब निडर बने, हमारे मन में डर ना रहे। डर ना रहे मतलब ऐसा नहीं कि गलत काम करे और डरे नहीं, सही काम अगर करे तो हमें निडर होना चाहिए, निरोगी रहे, किसी तरह का रोग हमारे शरीर में आए नहीं, और सच चरित्र हो, हमारा चरित्र हमारा जो कैरेक्टर है वो अच्छा हो, सच्चा हो, वही सुख का स्थान होगा हमारा। तुम में हो अनुराग हमारा वीणा धारनी तुम्हें प्रणाम, तुम्हारे प्रति हमारा प्रेम बना रहे, मान सम्मान बना रहे, हे वीणा वादिनी हे माता सरस्वती तुमको हमारा प्रणाम है। वीणा धारणी मतलब जो वीणा धारण की हुई है, पकड़ी हुई है। तो ये हमारी ये कविता पूरी हो गई। अब है इसके बाद नए शब्द लिखे, उनका तो अर्थ पुस्तक में दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आओ अभ्यास करे उसके जो क्वेश्चन आंसर है उनके आप पाठ की मदद से कर सकते हैं। जैसे पहले है वंदना की पंक्तियां पूरी करें, वो सब तो आप पाठ से देख देख के कर लेंगे वो सब के। अब है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इस गीत में किसकी वंदना की गई है, तो ये तो बहुत आसान है, इस गीत में माता सरस्वती की वंदना की गई है। हमें किससे प्रेम और किसकी सेवा करनी चाहिए, हमें देश से प्रेम और मानव सेवा करनी चाहिए। हमें माता पिता और गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें माता पिता और गुरुओं के साथ आदर सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। इस कविता में कब कब पग ना डिगने की प्रार्थना की गई है,
तो इस कविता में जब भी हम सत्य पे चल रहे हो, सत्य रास्ते पे चल रहे हो और दुखियों का दुख हर रहे हो, उस समय हमारे पग ना डिगे, उसकी प्रार्थना की गई।